आज तक कोई गमी ना करी काय ने, आज तक हमारे काय ने सुनाई ना करी आज तक हमारे घर पे। पुलिस ने अभी कोई हिरासत में नहीं लिया है, नहीं पुलिस ने कोई कार्रवाई करी है अभी, और ना ही हमें इंसाफ की उम्मीद है अभी। अपनी चौकीदारी को उन्होंने कुछ ठीक से नहीं निभाई है, मतलब हमारे पर दिक्कत परेशानी खड़ी कर दी। अगर चौकीदार निभाते तो आज पहलू खान नहीं मरते, उमर खान नहीं मरते। दो साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं हुआ है। प्रशासन का कोई एक बंदा अभी तक नू नहीं आया कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे नहीं हुआ है, कैसे तुम्हारा पापा मारा गया है। अभी तक कोई हमारे घरे चौकी पैसू कोई पुलिस वाला आदमी नहीं आया समझान के लिए ये क्या हुआ। याद आता है आज ये होता तो ये भी करता, ये भी करता, दिन रोता है हम आंधा होगा रोते रोते। 2015 के बाद अभी तक भारत में 90 लोगों की मौत लिंचिंग इंसिडेंट्स में हुई है। चुनाव के ठीक पहले पहलू खान का परिवार केवल इतना चाहता है कि नई सरकार के आने के बाद वो यहाँ पर और सुरक्षित महसूस कर सकें। और ये कांग्रेस आ जाए तो ये सबके लिए फायदा करती है, ये सबके लिए फायदा करती है। यू हिंदू मुसलमान की पहचान नहीं करती है, और यू जो कांग्रेस आ जाएगी तो पहचान नहीं करती, ये तो सब एक सार बरती है। और जो यू आई है जो सबकी पहचान करके जब मारा जा रहा है। ये हम तो सरकार ऐसी चाहेंगे जिसमें हमको न्याय मिले। कहाँ चले जाए अपने देश को छोड़ के, हिंदू चाहे मुसलमान, अपने देश तो है तो अपने देश ने। ये कुछ तो गांव ने मदद करी, कुछ अब भी कर रहा है मदद। कोई नाज भेजता है, कोई पैसा देता है, कोई सीए बाहर पत्थर तरक पे चला जाता है बाड़ा, कोई मजदूरी करता है, ऐसे ही संभाल रखो। कोई संभालो ना है, बेकार है जिंदगी काटने बेकार है, पर मरा ना जाए। एक महीने में 20 दिन में सबको जमानत दे दी, और उल्टा हमारे ऊपर केस लगा दिया कि भाई ये गौ तस्कर है। केस लगा दिया उसका आरबी एक्ट का, धारा लगा दी हमारे ऊपर ही। वो तो बिल्कुल गौशाला चली गई, और वो गौशाला में ले जाके उनका दूध पी रहे हैं वो फ्री में। कोर्ट में आज तक ये गवाही नहीं हुई कि आमने सामने ये मारने वाले पहचान सकते हैं, आप नहीं पहचान सकते इनको।